आप सबने कल देखा कैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास के बाहर जब क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के दर्जन करीब ऑफिसर, जिसमें कई सीनियर ऑफिसर खड़े थे, उनकी टीम पहुंचने के पहले सारी मीडिया वहां पे पहुंच गई थी। किसने बताया मीडिया को? भाजपा ने बताया। मतलब भाजपा को पता चल जाता है कि अभी क्राइम ब्रांच मुख्यमंत्री आवास पे पहुंचने वाली है। आज मंत्री आतिशी जी के यहाँ क्राइम ब्रांच के वही दर्जन ऑफिसर पहुंच जाते हैं, उससे पहले दर्जन दो दर्जन मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, और फिर वहां पर 5 घंटे, कल मुख्यमंत्री आवास के बाहर 5 घंटे ये क्राइम ऑफिसर अपना सारा कामकाज छोड़कर केवल खड़े रहते हैं और कहते हैं, नहीं जी, हमें तो मुख्यमंत्री जी से मिलना है। आप सबने वो वीडियो देखा होगा जहां मैंने उनसे एक आम नागरिक के तौर पे सवाल पूछा कि किस धारा के तहत, बस इतना बता दीजिए, किस धारा के तहत आप ये नोटिस मुख्यमंत्री जी को पर्सनली हाथ में सौंपना चाहते थे। क्या कहा उन्होंने? नहीं जी, नहीं जी, मीडिया के सामने नहीं कहूंगा, आ जाइए अंदर, आ जाइए अंदर, बात करते हैं। इतना डर, इतना खौफ। अगर आप कानून के तहत कोई काम करते हैं तो मीडिया के सामने बताने में क्या है आपको डर? सवाल का जवाब नहीं दिया। अंत पंत में 5 घंटे की नौटंकी के बाद वही नोटिस सीएम दफ्तर के बाहर देके चले गए। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली में इसका क्या इंपैक्ट होता है। आप सब जानते हैं दिल्ली देश का क्राइम कैपिटल है। हर साल, ये सुन लीजिए, ये नंबर अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, हर साल दिल्ली में 3 लाख क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होते हैं। 3 लाख। इन 3 लाख केसेस में से चार्जशीट कितने में फाइल होती है? 1 लाख। 1 लाख से भी कम, करीबन 30% क्रिमिनल केसेस में ही हर साल चार्जशीट फाइल होती है। 2 लाख केसेस में तो चार्जशीट ही फाइल नहीं होती। और ये जो 30% का आंकड़ा है, परसेंटेज ऑफ चार्जशीट फाइल, वो देश भर में सबसे कम है। मतलब दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम रेट, दिल्ली में सबसे कम चार्जशीट। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, दिल्ली इज द रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। वुमेन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में दिल्ली का अव्वल नंबर आता है। सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज का अगर आप हिसाब किताब लगा दें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन दिल्ली में पिछले साल पाए गए, 14,158। सीनियर सिटीजन्स की बात करें, सारे देश में सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन्स कहां रजिस्टर होते हैं? दिल्ली में रजिस्टर होते हैं, 1,315 पिछले साल, जो उसके पहले के साल से भी ज्यादा था। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात कर लेते हैं, बच्चे कितने सेफ हैं दिल्ली में? दिल्ली में देश भर में हाईएस्ट क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन रिपोर्ट होते हैं हर साल। पिछले साल कितने रजिस्टर हुए? 7,400। और ये हर साल ये आंकड़े बढ़ते जाते हैं। हर साल दिल्ली के टोटल क्रिमिनल केसेस जो भी रजिस्टर हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच क्या करती है? बीजेपी के मुख्यालय से कॉल नहीं आया, दर्जन ऑफिसर भेज दो मुख्यमंत्री के घर पर, 5 घंटे उनको खड़े रहने दो, मीडिया के सामने नौटंकी करेंगे, भंगड़ा करेंगे कि आओ हमें शूट करो, हम यहां पे खड़े हैं। और नोटिस का आधार क्या है? जैसे अतिशी जी ने कहा, ना कोई आईपीसी की धारा मेंशन्ड है, ना सीआरपीसी, ना कोई समन्स, ना एफआईआर। एक कोरे कागज पे एक नोटिस या खत लिखकर कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो मिलना है। तो क्या मुख्यमंत्री और मंत्री दिल्ली सरकार के सारे अपना कामकाज छोड़ दें, केवल और केवल डाकिया का काम करें कि अपने घर के बाहर खड़े रहें कि आइए दिन भर आइए, जो भी खत लेंगे हम आपको पर्सनली सौंपेंगे? हमारी बीजेपी से गुजारिश है, दिल्ली पुलिस के राजनीतिक आकाओं से गुजारिश है कि ये नौटंकी करना बंद करें, दिल्ली के लोगों की सेवा करने दें। दिल्ली के क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर का कोई इसमें दोष नहीं है, हमारी पूरी तरह से दया है उनके साथ। वो जब आए थे पुलिस फोर्स में तो ये जरूर सोच के आएंगे कि देश की सेवा करेंगे, महिला सुरक्षा पर काम करेंगे, किडनैपिंग रोकने में काम करेंगे, मर्डर को रोकने में काम करेंगे। लेकिन होता क्या है, सुबह 1-8 बजे कॉल आ जाता है कि जाओ आज पूरी दिन मीडिया के लेके जाओ और सीएम के बाहर, आप सीएम के घर के बाहर आप ये खड़े रहो रास्ते पे।